सच है। एक कहावत ठीक सटीक बैठती है कि एशियाई बिल्ली खम्मा नोचे। ठीक वही हाल है पाकिस्तान के इमरान भाई की। एक तो जिस तरह से चीन ने पूरी दुनिया में हुड़दंग मचा के रखा है, तो वहीं भिखारी पाकिस्तानियों के मदरसों पर अब ताला लटकना शुरू हो गया है। यानी कि जो दिन रात चीन के साथ मिलकर बकरी कुदान करते थे भारत के खिलाफ, अब वो छोटियाँ खोवाला चीन इन मदरसा छापों पर भारी पड़ने लगा है। एक तो जैसा कि इस महामारी से निपटने के लिए भारत पूरी तैयारी में जुटा हुआ है, और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता के जरिए इसे हटाने की पूरी जोर कोशिश में जैसे लगे हुए हैं, वैसा कोई भी देश अब तक नहीं कर सका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भिखारी और कंगाल हो चुके पाकिस्तान के लिए बड़ी आफत आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान में सिंध प्रांत में इस महामारी के दर्जनों मामले सामने आ गए हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान में इस संक्रमित वायरस के 183 मामले हो चुके हैं। यानी कि अब 183 टोपी छाप अब दिन रात इस वायरस की चपेट में आकर दिन रात सर पटक रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में तेजी से इस महामारी के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम अफ्रीकी देशों ने अपनी सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी है। वहीं आपको बता दें कि ICMR के साथ बैठक कर रहे WHO के प्रतिनिधि हेम वेडंग ने कहा कि हमारे पास इस महामारी से निपटने के लिए सारी विशेष सामग्री उपलब्ध है, लेकिन भिखारी पाकिस्तान के पास ऐसी कोई व्यवस्थाएँ नहीं है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 150 पॉजिटिव मामले सामने आ गए हैं, वहीं खैबर पख्तूनवा में 15 और बलूचिस्तान में 10 मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि भिखारी इमरान का कहना है कि इससे निपटने के लिए जल्द ही कोई कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, यानी कि ये मदरसा पैदाशी अब जाकर इसकी आंखें खुली है, वरना ये अपने टोपी उछालने में ज़्यादा समय देते हैं, क्योंकि इन मदरसा पैदाशियों का अपने टोपी पर ज़्यादा भरोसा रहता है। और जब से इन टोपी छापों की संख्या कम होने लगी है, तो इमरान भाई अब जाग गया है।